please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आधी हकीकत आधा फसाना। जरा सोचिए, अगर आप 10 दिन तक कुछ ना खाएं, ना कुछ पिएं, तो आपका क्या होगा? 10 दिन भी छोड़िए, अगर कोई इंसान 1 साल तक ऐसा ही करे तो क्या होगा? जवाब सबको पता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक शख्स है जिसने 20 साल से न कुछ खाया है, न पानी की एक बूंद पी है। वो शख्स 20 साल से महादेव के एक अद्भुत धाम के बाहर धुनी रमाए बैठा है। खाना पीना तो दूर, उस शख्स की जबान से पिछले 20 साल से एक शब्द भी नहीं निकला। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं है। आपको शायद ये कहानी कोई मजाक लगे, कोई अंधविश्वास लगे, लेकिन जो लोग महादेव के उस धाम में जा चुके हैं, वो उस शख्स को कोई तपस्वी नहीं, कोई साधु संत नहीं, बल्कि एक देवदूत मानते हैं। कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महादेव की एक शक्ति मौजूद है। खुले आसमान के नीचे बैठे हुए तपस्या में ना जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करते। बाबा जी का निरंतर ध्यान में बने रहते हैं, वहां से उठते भी नहीं है, ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं। बीस साल हो गए मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ सुबह इनका दर्शन करने के लिए, आज तक कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा है। अपना जीप एक पत्थर में काट करके चढ़ा दिए थे, तब से मैं देखा हूँ। बीस साल हो गए, वो देवदूत आज भी वहीं बैठा है, महादेव के ठीक सामने, शिव के अद्भुत रूप के बेहद करीब। न 20 बरस से कुछ खाया, न 20 बरस से पानी का एक घूंट तक पिया। 20 साल पहले ही अपनी जीभ भी महादेव के नाम पर कुर्बान कर दी। आखिर कौन है वो? क्या हमारी और आपकी तरह सिर्फ एक इंसान? अगर इंसान है तो बिना खाए पिए जिंदा कैसे? या वाकई महादेव की कोई शक्ति है जो बरसों से उन्हें जिंदगी दे रही है? आज चलते हैं महादेव के उस धाम में, मिलते हैं उस देवदूत से, मेडिकल उपकरणों और डॉक्टरों से कराते हैं उस संत की जांच, और देखते हैं कि इस कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना। हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में हठ योग का जिक्र कई बार किया गया है। पौराणिक कहानियों में ऐसे कई साधु, कई राजा, कई राक्षस हुए हैं जिन्होंने बरसों तक भगवान की तपस्या की, लेकिन इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था कि योग की वो शक्ति आज भी मौजूद है। आज भी कोई शख्स 20 साल से बिना खाए पिए एक ही जगह पर तप कर रहा है। विज्ञान कहता है कि किसी इंसान के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। भोजन और पानी इंसान की जरूरत है, उसी से शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी से जिंदगी मिलती है। लेकिन महादेव के इस धाम में लोगों के लिए विज्ञान कोई मायने नहीं रखता। वो कहते हैं उस शख्स के पास महादेव की असीम शक्तियां हैं। असल में वो उन्हें इंसान मानते ही नहीं। लोग कहते हैं वो तपस्वी एक देवदूत है। तो चलिए आज करते हैं उस देवदूत से मुलाकात और सुलझाते हैं इस अजीब सी पहेली को। हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में हठयोग का जिक्र कई बार किया गया है।
वैसे तो लाखों लोग हैं जो उस देवदूत को देख चुके हैं। उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं, उनकी कहानियां सैकड़ों के दिल में बसी पड़ी हैं। अगर हम उस धाम में गए भी, उस देवदूत को देख भी लिया, तो भी ये पहेली नहीं सुलझने वाली। मजा तो तब है जब इस रहस्य को एक अलग नजरिए से देखा जाए। पूरे 72 घंटे तक उस हठ योगी पर नजर रखी जाए, उसके शरीर की मेडिकल जांच कराई जाए और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया जाए कि उस तपस्वी के पास वाकई कोई शक्ति है या माजरा कुछ और है। इसलिए हम निकल पड़े एक नए मिशन पर, एक नई पड़ताल के लिए। मंजिल थी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर रायगढ़। तेरह साल की उम्र में उसने अपनी जीभ काट के चढ़ा दी शिवलिंग पे। अब वो ना अन्न खाता है, ना बोलता है और ना ही हिलता है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। इस बार हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में लेकर आए हैं, जहाँ एक हठ योगी को लेकर दावा है कि वो पिछले 20 सालों से लगातार कर रहा है साधना। साधना भी ऐसी जिसने मेडिकल साइंस तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए इस हठ योगी की करते हैं पड़ताल। इस कहानी के बारे में थोड़ा सोचते, थोड़ा समझते, थोड़ा उलझते, आखिरकार हम शहर के सत्यनारायण बाबा धाम पहुंच गए। मंदिर के बाहर हर दुकान, हर लॉकेट, हर पोस्टर पर सत्यनारायण बाबा की तस्वीर लगी थी। भीतर गए तो दरबार के ठीक बाहर 1998 से लेकर अब तक उस देवदूत की हर तस्वीर दिखाई दी, जो इस बात की निशानी थी कि बाबा सत्यनारायण तकरीबन 20 बरस से यहीं मौजूद हैं। मैं इस वक्त उसी मंदिर परिसर के भीतर हूँ जहाँ हठ योगी बाबा पिछले 20 सालों से कर रहा है तपस्या। ये मंदिर परिसर रायगढ़ जिले के छोटे से गांव कोसन नारा में मौजूद है। मैं आपको दिखाऊँ, ये जो मेरे पीछे चार दीवारी है, इसी चार दीवारी के पीछे खुले आसमान के नीचे ये बाबा 20 सालों से तपस्या कर रहे हैं। दावा यह भी है कि इस बाबा ने पिछले 20 सालों से ना कुछ खाया पिया है और ना ही अपने स्थान से उठे हैं। तो आइए चलते हैं इस जिंदा मूर्ति की करते हैं पड़ताल। मंदिर के अंदर पहुंचे तो महादेव के एक अद्भुत रूप के ठीक सामने बाबा सत्यनारायण खुद विराजमान थे। बड़े बड़े नाखून, लंबी चौड़ी जटाएं और हाथों में रुद्राक्ष की माला। बाबा ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और नीचे भक्तों की भीड़ जुटी थी। पता चला कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बाबा ध्यान की इसी मुद्रा में रहते हैं। रात 12 बजे वो कुछ देर के लिए ध्यान तोड़ते हैं, इशारों इशारों में लोगों से बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी शख्स ने ना उन्हें आसन छोड़ते देखा है, ना कुछ खाते पीते। मतलब साफ था कि इस पड़ताल के लिए हमें रात का इंतजार करना होगा। इसलिए हमने बाबा की कहानी को समझना शुरू किया। बाबा जी को जब से बैठे तब से जान रहा हूँ और उसी समय से अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि बाबा जी एक छोटे से पत्थर में अपना जीव अर्पण कर उसमें अपना शिव भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और उसी दिन से कम 3 साल तक ओम नमः शिवाय का जाप किए, उसके बाद मौन लिए, तो अभी तक वो मौन ऐसी है। खुले आसमान के नीचे हर ऋतु में वो ऐसे ही जितने वस्त्र में दिख रहे हैं उतने ही वस्त्र में रहते हैं, और पूरे खुले आसमान के नीचे वर्षा हो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, लगभग 49 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, फिर भी वो इसी जगह खुले आसमान के नीचे विराजमान रहते हैं।
हर शख्स यही दावा कर रहा था कि पिछले 20 बरस से बाबा ने न कुछ खाया है न पानी का एक घूंट पिया है। 20 साल हो गए मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ सुबह इनका दर्शन करने के लिए और मैंने इनको आज तक कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा है। बिल्कुल सही में कभी किसी ने आज तक खाते पीते देखा नहीं है और सही में नहीं खाते। बातों बातों में बाबा से जुड़ी एक और कहानी भी पता चली। बताया गया कि लगभग 13 बरस की उम्र में बाबा ने अपनी जीभ काट कर भगवान को चढ़ा दी थी, जिसके बाद से ही वो महादेव के सामने धुनी रमाए बैठे हैं। बाबा जी वही 14 साल की उम्र में थे तो स्कूल से भाग के आए और यहाँ पर दोपहर के समय अपना जीभ काट एक पत्थर लिए थे, उसी में अपना जीभ काट के रख दिए। तो मैं स्कूल से आया तो मेरे पापा बोले कि वहाँ पर एक लड़का जीभ काट के बैठा है, जा उसको दूध पिला दे। तो मैं गिलास में दूध लेके आया तो बाबा जी उस समय पूरा खून से लथपथ थे और उसका मुंह खुल नहीं रहा था। फिर अपने उंगली से मुंह को साफ किया और उनको थोड़ा सा दूध पिलाया और उसके बाद हम लोग बस देख रेख कर रहा हूँ। इस कहानी के एक नहीं सैकड़ों गवाह थे, लेकिन हम सिर्फ कहानियां सुनने नहीं आए थे, हम इस सवाल का जवाब तलाशने आए थे कि क्या बाबा वाकई कोई देवदूत हैं? क्या वाकई उन्होंने 20 बरस से कुछ नहीं खाया? क्या वाकई वो 20 साल से एक ही जगह पर तपस्या कर रहे हैं? अगर हाँ तो वो कौन सी शक्ति है जिसकी बदौलत एक इंसान 20 साल से जिंदा है? हमारे सामने पहला रास्ता यही था कि हम पूरे 24 घंटे बाबा पर नजर रखें और उनकी हर हरकत को कैमरे में कैद करें। मैं इस वक्त उसी मंदिर में हूँ जहाँ पिछले 20 सालों से बाबा सत्यनारायण अपने तपस्या में लीन है। मैं इस वक्त आपको दिखाऊं, बाबा अभी भी अपने तपस्या में है। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि बाबा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार समाधि में रहते हैं। इस वक्त धूप हो, बारिश हो या कितनी भी ठंड ही क्यों ना हो या कोई आपदा ही क्यों ना आ जाए। कुछ देर में वाकई मौसम बदल गया और हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन बाबा ने न तो आंख खोली न अपनी जगह से हिले। वो ऐसे बैठे रहे जैसे किसी गहरी साधना में हो। हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम फिर साफ हो गया, लेकिन जैसे बाबा को तो बदलते मौसम से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बाबा के ठीक नीचे महादेव का एक अद्भुत शिवलिंग है। हमें बताया गया कि इस शिवलिंग की भी अपनी कहानी है। इसी शिवलिंग के पास ठीक 16 फरवरी 1998 के दिन बाबा अपने घर से स्कूल के लिए निकले थे। उस वक्त की जगह पूरा बियावान हुआ करता था। यहीं पर आके एक छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर उस पर मैं जीभ काट के चढ़ाया और तपस्या बैठ गए। तब से ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। लोग मानते हैं कि महादेव का ये रूप ही बाबा को तपस्या की हिम्मत देता है और शिव की इसी शक्ति की बदौलत बाबा 20 साल से बिना कुछ खाए पिए जिंदा हैं। तमाम लोग आ रहे थे, बाबा के आगे सिर झुका रहे थे, लेकिन बाबा योग की एक अद्भुत मुद्रा में मौजूद थे। देखते देखते सुबह से शाम हो गई और मंदिर में आरती की तैयारी शुरू हो गई। भक्तों की भीड़ लगी थी, लेकिन वो देवदूत भी तपस्या में वैसे ही लीन थे जैसे हमने सुबह से देखा था। सुबह से रात हो चुकी है, लगभग 14 घंटे का लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन बाबा ने अभी तक आंखें नहीं खोली है और ना ही कुछ खाया पिया है। हालांकि मंदिर प्रशासन के लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद बाबा अपने ध्यान से बाहर आते हैं और लोगों से मिलते हैं। अब हमारी सारी उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि क्या वास्तव में रात के 12 बजे के बाद भी बाबा अपने जगह से नहीं उठते, कुछ खाते पीते नहीं हैं।
हालांकि ये मेडिकल साइंस को बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे देखना बहुत ही जरूरी है कि क्या वास्तव में बाबा पिछले 20 सालों से अपनी जगह से नहीं उठे और कुछ खाते पीते नहीं है। इन 14 घंटों में हमारा शरीर थक चुका था, पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन बाबा के शरीर में कोई हलचल दिखाई नहीं दी थी। हमें इंतजार था रात 12 बजे का, जब बाबा ध्यान की मुद्रा से बाहर आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और शायद रात के अंधेरे की कोई तस्वीर इस 20 साल पुराने रहस्य को सुलझा दे। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं, पूरा मंदिर खाली है, कोई भी श्रद्धालु इस वक्त मंदिर में नहीं है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन दिनेश नागर ही इस मंदिर के अंदर हैं और हम इंतजार कर रहे हैं रात 12 बजने की, जब बाबा अपने ध्यान से बाहर आएंगे। रात के 12 बजने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे और बाबा से बातचीत के लिए हमारी बेताबी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में मंदिर के कुछ पुजारी बाबा के पास आए, पूजा की तैयारी शुरू हुई और देखते ही देखते बाबा की आरती शुरू हो गई। और ठीक 12 बजते ही बाबा ने अपनी आंखें खोल दी। दावे के मुताबिक बाबा ने पानी से अपना चेहरा धोया, लेकिन पानी की एक भी बूंद मुंह के भीतर नहीं गई। पास में मंदिर के कुछ कर्मचारी भी थे जो इशारों में बाबा को कुछ बता रहे थे। तभी बाबा की नजर हमारी टीम पर पड़ी और वो हमें भी इशारों से कुछ कह रहे थे। शायद उन्हें हमारे रहने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि हम बाबा से कुछ सवाल पूछते, हमें एक नया फरमान सुनाया गया कि 15 मिनट के लिए हमें कैमरा बंद करना होगा और यहां से बाहर जाना होगा। करीब 18 घंटे तक लगातार बाबा ने तपस्या की है, लगभग बैठे हुए थे। और आप लोग बाहर चलेंगे, सभी लोग आप बाहर चलेंगे तो क्या दिक्कत है, रह नहीं सकते हम लोग? थोड़ी देर के लिए आप बाहर चलेंगे, फिर आ जाएंगे। नहीं, कितने देर बाहर रहना हमें? आप 15 मिनट बाद बाहर, 10-15 मिनट बाद आ जाएंगे। चलिए, नहीं तो हम लोग बाहर चलेंगे, आप सभी लोग। नहीं, ये 15 मिनट हम देखना चाहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। आप चलिए, 15 मिनट बाद आ जाइएगा। ऐसा क्यों किया गया हमें कुछ समझ में नहीं आया। शक हुआ कि कहीं इन्हीं 15 मिनट में बाबा को कुछ खिलाया तो नहीं जाता, कहीं यही 15 मिनट इस 20 साल पुराने रहस्य का जवाब तो नहीं है। इसलिए हमने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और भागकर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से मंदिर के कर्मचारी हमें नहीं देख सकते थे, लेकिन हमारा कैमरा उन 15 मिनट में भी बाबा पर नजर रख सकता था। मैं थोड़ा सा पर्दा हटाता हूं ताकि आप शूट कर सके। दिनेश जी, आप उस तब तक साथ कैमरे का लाइट एकदम मत चलाइएगा, कैमरे का लाइट मत चलाइएगा एकदम। हमारा शक गलत था। उन 15 मिनटों में भी न बाबा कहीं गए, न बाबा के पास कोई आया। रात के वक्त भी बाबा के पास लोगों की भीड़ जुटी थी। इस बीच बाबा की नजर एक बार फिर हमारे कैमरे पर पड़ी। उन्होंने हमारा परिचय पूछा। इंटरनेट पर हमारा शो आधी हकीकत आधा फसाना भी देखा और फिर हमसे बातचीत के लिए तैयार हुए। तो बाबा कहां से इतने कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को ढंग से बोलना नहीं आता है, दुनियादारी समझ में नहीं आती है, आपको इतना कठोर तपस्या क्यों ख्याल में आया और कहां से प्रेरणा मिली? शिव की आराधना से ही उनको ये प्रेरणा मिली है। शिवलिंग की तरफ अभी सामने उन्होंने इशारा किया है, शिवलिंग की शिव की आराधना के लिए ही उन्हें प्रेरणा मिली, शिव से ही उनकी उन्हें प्रेरणा मिली, उनका यही सारा है। बाबा, जिस उम्र में बच्चा का हल्का सा हाथ पैर छिल जाए,
दर्द होता है, रोने लगता है। इतने कम उम्र में आप लोग मान्यता है कहते हैं कि आपने अपने जीव काट के शिव जी को चढ़ा दिया था, क्या ये बात सच है? सच है बाबा का इशारा सिर हिला रहे हैं, सच है उनका ये कहना। बाबा इतना कठोर तपस्या आप क्यों कर रहे हैं? बाबा का इशारा है जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो बाबा ये तपस्या आप कब तक चालू रखेंगे? कोई समय अवधि नहीं है, जब उनकी समय पे पूर्ण हो जाएगी उनका इशारा ये है। तो कैसे मालूम चलेगा कि आपका तपस्या का समय पूर्ण हो गया? क्योंकि पुराने जमाने में हमने जो रामायण महाभारत में पढ़ा हुआ है, हर तपस्या का एक समय होता है और एक मकसद होता है। तो आपके तपस्या का समय क्या है, कब तक तपस्या करेंगे और मकसद क्या है आपका? समय पूर्ण होने में पता चल जाएगा इसका बाबा का ये है, मकसद जन कल्याण ही है, लोगों में जन कल्याण और सद्भावना के लिए है ये तपस्या है, शिव की आराधना है। लेकिन हम भी ठान कर गए थे कि पूरी रात न हम सोएंगे न हमारा कैमरा बंद होगा। देखते देखते नया दिन शुरू हो गया। लोगों की भीड़ दोबारा जुटने लगी। हमारी पड़ताल के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमारे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर में सुबह की आरती भी शुरू हो गई और ठीक 7 बजे बाबा वापस ध्यान में लीन हो गए। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा दावा हुआ था, लेकिन अभी हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा हिस्सा बाकी था। हमने तय किया कि बाबा की आज रात मेडिकल जांच कराएंगे और देखेंगे कि आखिर जो कुछ भी हुआ वो हुआ कैसे। आधी हकीकत आधा फसाना। मेडिकल साइंस के मुताबिक कोई भी इंसान बिना भोजन के ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 दिन तक जिंदा रह सकता है, और बिना पानी के तो 5 दिन से ज्यादा जिंदा रहना भी मुश्किल है। फिर ऐसा क्या है उस देवदूत में कि बिना खाए पिए वो 20 साल से उसी धाम में मौजूद है? अब हमें इसी सवाल का जवाब तलाशना था। इसके लिए हमने हर तरकीब अपनाई, 24 घंटे तक बाबा के साथ रहे, चोरी छिपे उनकी हरकतों पर नजर रखी, लेकिन अब भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था कि हम उस देवदूत की डॉक्टरी जांच कराएं, शरीर के मेडिकल टेस्ट कराएं और वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाएं कि आखिर इस कहानी का सच क्या है। और यकीन मानिए, जब हमने यह सब कुछ किया तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने देवदूत कहे जाने वाले इस शख्स की हर तरह से पड़ताल की, लेकिन ये जान नहीं पाए कि अन्न पानी के बिना ये इंसान 20 साल से जिंदा कैसे है। फिलहाल बाबा एक बार फिर समाधि में लीन हो गए थे और रात के 12 बजे ही आंख खोलेंगे। हम इस रहस्य को परत दर परत समझना चाहते थे, जिसके लिए यह जरूरी था कि हम कहानी को 20 साल पीछे ले चलें और यह समझें कि आखिर यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ। पता चला कि बाबा का परिवार आज भी पास के ही एक गांव में रहता है। हमने सोचा क्यों ना बाबा के गांव जाकर ही सवालों के जवाब तलाशे जाएं। थोड़ी देर बाद हमारी मुलाकात हुई बाबा सत्यनारायण की मां से, जिन्हें आज भी सब कुछ याद है। अचानक ऐसे बिना बताए चल दीजिए, खोजत खोजत बाद में ना 2-3 दिन के भेटे हैं। तो फिर आप लोग घर लाने की कोशिश नहीं किए? करें नहीं उठे ना, नहीं सुनी नहीं बात ला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप करत रही जोर जोर से। क्या कभी आपने उनको खाते पीते देखा कुछ भी? नहीं देखे।
आज तक लड़की कौन फल खात नहीं देखे, ना जल पियत नहीं देखे, ना कुछ नहीं देखे हम बाबा जी की महिमा अतरम पार है। कभी आपने नहीं कहा कि बेटा कुछ खा लो, क्योंकि कितना भी तो आपके बेटे हैं, तो आपने नहीं कहा कि बेटा कुछ खा लो, पानी पी लो? नहीं सुने हमारे गोटला अपन ये में है, तपस्या में है। बाबा सत्यनारायण की पहेली सुलझाने के लिए हम उनके पुश्तैनी मकान तक पहुंच गए थे, लेकिन यहां भी चमत्कार की एक कहानी से ही सामना हुआ। जिस दिन इनका बेटा घर से तपस्या के लिए निकला, ठीक उसके 10वें दिन से इनकी माता का बाल जटा में बदल गया। आप ये देख सकती हैं, हालांकि शुरू में ये जटा छोटा था, लेकिन आज ये जटा करीब 5 फुट का हो चुका है। और इनको भी नहीं पता कि ये पूरा कैसे हुआ है, क्योंकि जब ये बता रही थी अभी, क्योंकि हिंदी में बात नहीं कर पा रही हैं ये, तो इन्होंने बताया मुझे कि जब इनका बेटा तपस्या करने नहीं गया, तो उससे पहले इनका बाल नॉर्मल बाल की तरह था, लेकिन तपस्या करना जाना और उसके ठीक कुछ दिन बाद ही ये बाल इनका जटा में बदलना धीरे धीरे शुरू हो गया था। अभी से चमत्कार ही कहेंगे कि बेटा ने तपस्या करना शुरू किया और माँ का बाल जटा में बदल गया। गाँव में हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, सबकी जबान पर केवल चमत्कार का नाम था। लेकिन हमारी दिलचस्पी इन कहानियों में नहीं, बल्कि उस रहस्य में थी कि बिना खाए पिए बाबा सत्यनारायण 20 साल से जीवित कैसे हैं। और आज की रात महादेव के उस धाम में ये पहेली सुलझने वाली थी। मंदिर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई, रोज की तरह आरती हो रही थी। है महाकाल शंकर जग में जय जयकार, शंकर पूजे जो ये नाम है, शंकर करते उसके काम, शंकर काल के है महाकाल। लेकिन आज की रात इस धाम में वो होने वाला था जो आज तक कभी नहीं हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नमः शिवाय। हमें 12 बजने का इंतजार था, जब हम अपनी पड़ताल का अंतिम और सबसे अहम कदम उठाने वाले थे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सर, यहाँ पे एक बाबा है, हाँ जी, जो दावा है कि पिछले 20 साल से बैठे हुए हैं, हाँ, ना खाते हैं ना पीते हैं जी। तो इसीलिए आपको सर बुलाया है कि भला ये कैसे संभव है, क्या मेडिकल साइंस इसको मानता है सर कि कोई बिना खाए पिए रह सकता है? मेडिकली ऐसा थोड़ा मुश्किल है कि बिना कोई खाए पिए इतने दिन तक एक ही पोजीशन बैठ रहे हैं, हर सीजन में एक ही पोजीशन में बैठ रहना बिना खाए पिए रहना थोड़ा तो मुश्किल माने ये है। अगर मान लीजिए कि जैसे आप मेडिकल जाँच करेंगे इनका, तो क्या मतलब क्या कमी निकलेगी इनमें अगर ये खाते पीते नहीं है तो? नहीं, खाए पिए नहीं होते तो बीपी थोड़ा डाउन मिलना चाहिए, डिहाइड्रेशन के साइन होना चाहिए, यूरिन आउटपुट थोड़ा कम हो, इनका लुक भी थोड़ा ईड लुकिंग हो जाएगा। जी जी जी, तो चले सर जांच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर। बाबा के मेडिकल टेस्ट के लिए हमने पहले से ही बात करके रखी थी। भूखे प्यासे इंसान का ब्लड प्रेशर सही नहीं होता, दिल की धड़कन सामान्य नहीं रहती, नाड़ी धीमी रहती है। फैसले की घड़ी नजदीक थी, डॉक्टर के हर कदम पर लोगों की निगाह लगी थी। पहले ब्लड प्रेशर नापा गया, दिल की धड़कन सुनी गई, फिर नब्ज टटोली गई। हर परीक्षण के बाद डॉक्टर के चेहरे की रंगत उड़ती जा रही थी। ये सारे टेस्ट एक नहीं कई बार किए गए और अंत में डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ लिए, फिर बिना कुछ बताए रिपोर्ट तैयार करने लगे। क्या रिपोर्ट आ रहा है सर? रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहा है, रिपोर्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब
फाइनल रिपोर्ट है। बीपी 110/70 अभी, पल्स जो है 86 है, हार्ट लंग पेट जांच में कहीं भी कोई कमियां नहीं पाई गई, सब चीज़ नॉर्मल है। कोई क्या कोई मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब करेंगे इनको? नहीं, मेडिसिन अभी इनको देने की जरूरत नहीं है, जो मेडिकल रिपोर्ट है उस हिसाब से। सर आप डॉक्टर हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, इसी शहर के हैं, क्या पहले कभी आपने इनका मेडिकल जांच किया है? नहीं, पहले सुने थे, जब भी अपन ने सब चेकअप किए हैं सब नॉर्मल आया था, कहीं कोई मनगड़बड़ी नहीं, कभी कोई परेशानी भी नहीं था। तो ये कैसे संभव है? हाँ, यही तो हम लोग के लिए बहुत आश्चर्य का विषय है कि बिना खाए पिए एक ही पोजिशन में बैठे रहना और रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, ये आश्चर्य का विषय है। जो भी कोई ना कोई ऊपरी शक्ति है, तभी तो सामान्य आदमी के लिए तो इतना ये किसी वश का है नहीं। जिसने पिछले 20 साल से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, पानी की एक बूंद हलक से नीचे नहीं उतारी, अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसका शरीर पूरी तरह फिट है, किसी तरह की कोई कमी नहीं, इस बात पर कोई विश्वास करे भी तो कैसे? लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट को भी तो नहीं नकारा जा सकता। तो क्या बाबा वाकई कोई देवदूत हैं? क्या इनके पास कोई अद्भुत शक्ति है? कुछ लोग इसे हठ योग का नाम देते हैं, जिसके दम पर पौराणिक काल में ऋषि मुनि बरसों तक बंद गुफाओं में तपस्या करते थे। लेकिन इन बातों पर आज शायद ही कोई भरोसा करे। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई अद्भुत शक्ति नहीं, बल्कि इंसान के शारीरिक संरचना की एक ऐसी पहेली है जिस पर विज्ञान उस समय से शोध कर रहा है जब गुजरात के प्रहलाद जानी का मामला सामने आया। 77 साल से बिना खाए पिए जिंदा रहने वाले प्रहलाद चिकित्सा विज्ञान के लिए चुनौती बन गए। पड़ताल के लिए उन्हें 15-15 दिन तक कमरे में बंद करके रखा गया। सीसीटीवी से हर हरकत पर नजर रखी गई। हर घंटे डॉक्टर जांच भी करते रहे, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य निकला। वैज्ञानिकों ने फिलहाल यही माना कि प्रहलाद के शरीर में कुछ ऐसी खासियत है जो उन्हें जिंदा रहने की ताकत देती है, लेकिन वो क्या है इस पर रिसर्च जारी है। कुछ ऐसी ही खासियत बाबा सत्यनारायण की शारीरिक संरचना में भी है। इसे दैवीय शक्ति मानना शायद फसाना होगा, लेकिन बाबा का शरीर एक हकीकत है। मानो तो पत्थर में भी भगवान है और न मानो तो कुछ भी नहीं। इन कहानियों से जिनकी आस्था जुड़ी है उनके लिए कोई तर्क मायने नहीं रखता, और जो तर्कों के नजरिए से देखते हैं उनके लिए आस्था का कोई मतलब नहीं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।